हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख डी आज बजटिंग कंट्रोल का लेक्चर नंबर सेवन है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग कंट्रोल स्टार्ट तो करेंगे आज क्लास आज जो सम लेने वाले हैं इसके बाद कैश बजट स्टॉप हो जाएगा बजट चलेगा बट कैश बजट के लास्ट सम रहेंगे इसके बाद हम लोग दूसरे बजट की तरफ चलेंगे इस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिफरें के बजट कैश बजट का ये लास्ट प्रोसेस इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था लोन लेने वाला कंसेप्ट कि भाई पैसा कम है तो कैसे लोन लेते हैं बराबर है आज के समय भी ऐसा ही कुछ है बट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है ये दिया है प्रीपेयर कैश बजट फॉर अप्रिल टू अक्टूबर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो अपने वो कैश बजट बनाना है वो कौनसे पीरियड से कौन से पीरियड के लिए बनाना है अप्रिल मे जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेंबर एंड ऑक्टूबर ठीक है नॉर्मल स्टेटमेंट है यहां पर पहला आता है रिसिप्ट रिसिप्ट के अंदर सबसे पहले आप लिखते हो ओपनिंग बैलेंस एंड देन कुछ भी आपका रहेगा फिर इसी का आप टोटल ले लेते हो

जो भी बैलेंस शीट दिया हुआ है अप्रैल से अक्टूबर दिया मतलब जो बैलेंस शीट का डेट रहेगा वो रहेगा मार्च साल मार्च में खत्म हुआ तो चालू कब होएगा अप्रैल में तो मार्च का कैश बैलेंस दिया है मार्च का कैश बैलेंस है, है इसका मतलब अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है तो ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस दिया 20500 वो आपका ओपनिंग बैलेंस है 20500 इतना समझ में आ गया बैलेंस शीट का एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया उसके अलावा बैलेंस शीट में स्टॉक डेटर्स फर्नीचर डेप्रिसिएशन कैपिटल क्रेडिट्स दिया है इनका रोल क्या है बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इतना समझ में में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेल्स एंड सैलरी एक ही इनकम एक ही एक्सपेंस है सेल्स इज योर इनकम सैलरी इज योर एक्सपेंस मतलब रिसिप्ट में सेल्स आएगा पेमेंट में सैलरी आएगा खत्म इतना सिंपल होता तो सम नहीं होता ये है तो बट दे दिया है पांच सौ रुपए एंड कमीशन एट द रेट वन परसेंट अब ये क्या बोला है कि आपको पर मंथ का खर्चा है रेंट का कमीशन का डेप्रीसिएशन का तो ये पे कब कर रहे पर मंथ मतलब सेम मंथ ऐसा नहीं बोला फॉलोइंग मंथ ऐसा बोला है क्या नहीं उसने क्लियरली बुलाया अदर एक्सपेंसेस पर मंथ आर रेंट कितना हजार डेप्रिसिएशन कितना हजार मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना पांच सौ कमीशन कितना वन परसन ऑन सेल्स एक्सपेंस है मतलब पेमेंट होने वाला है तो सबसे पहला एक्सपेंस में लिख देता हूँ रेंट फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस उसके अलावा कमीशन बराबर है ये सब एक्सपेंसेस पर मंथ दिया है रेंट का पर मंथ कितना है हज़ार रुपए हज़ार रुपए हज़ार रुपए हज़ार रुपए ये कब तक आएगा जब तक आपने बजट बना के रखा है हर मंथ तो आने वाला है ये जो मंथ का है उसी मंथ में आप इसे पे भी कर रहे हो डेप्रिसिएशन कितना बुलाए हज़ार दिया ना हजार ही दिया ना हज़ार हजार हजार वन थाउजेंड हज़ार वन थाउजेंड उसके अलावा कितना दिया है उसके अलावा बोला है 500, 500, 500, 500 500. Commission बोला है commission किस पे calculate करना सेल्स पे देखो आपको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का सेल्स दिया है थर्टी थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड कैलकुलेट करना है 1 30, का 1 300 आएगा हाँ? Hmm. सेम मंथ में पे करना है फिफ्टी टू थाउजेंड का फाइव ट्वेंटी फिर फाइव हंड्रेड फिर सेल्स एटी परसेंट आर ऑन क्रेडिट एंड ट्वेंटी परसेंट फॉर कैश सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिया वर्किंग बना लेता तो. हूं मेरे पास बोला है एट्टी परसेंट क्या बोला है क्वेश्चन में ऑफ द सेल्स एटी परसेंट क्रेडिट एटी परसेंट क्या है क्रेडिट सेल्स है और ट्वेंटी परसेंट मेरे लिए क्या है कैश सेल्स है बराबर है तो उसके पहले मैं क्या लिखूंगा सेल्स का वैल्यू अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट सितंबर अक्टूबर अप्रैल का सेल्स बताओ कितना दिया तीस हजार तीस हजार का वन परसेंट कमीशन आ गया फिर अप्रैल के बाद मई में फिफ्टी टू थाउजेंड फिर पचास हजार फिर सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सेल्स में बाइफरकेशन दिखाना पड़ेगा कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स चलिए ठीक है तो क्रेडिट सेल्स एक ही परसेंट मतलब चौबीस हजार तीस हजार का

ट्वेंटी परसेंट मतलब छ हजार यहाँ पे टेन थाउजेंड फोर हंड्रेडेंड एक मिनट तो ऊपर फोर्टी थाउजेंड रहेगा ना हाँ। चार हजार देखा हाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा दस हजार क्या बात पंद्रह हजार अठारह हजार सात हजार फाइव थाउजेंड ये जो है कैश सेल्स इसका टेंशन नहीं है क्योंकि ये जिस महीने का उस महीने में ही मिलने वाला है मतलब अगर आप इधर प्रेजेंटेशन दो इधर आप ऐसा लिख सकते हो सेल्स अंडरलाइन करके कैश एंड देन क्रेडिट कैश का आपने को मालूम है छह हजार देन दस हजार चार सौ फिर दस हजार फिर पंद्रह हजार फिर अठारह हजार फिर सात हजार ये हो गया तो भाई साहब इसका काम कर डन हो गया बात समझ में आ गया अब क्या बच गया क्रेडिट सेल्स भाई ये पैसा कब मिलने वाला है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखते इंफॉर्मेशन दिया है ऑफ सॉरी सेवेंटी परसेंट ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन वन मंथ एंड द बैलेंस इन टू मंथ जो भी आप उधार दे रहे हो उसमें सेवेंटी पैसा अपने को एक महीने बाद मिलेगा और बैलेंस दो महीने के बाद मिलेगा मतलब जो भी तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है इसमें सेवेंटी परसेंट जो है वन मंथ में आएगा बैलेंस थर्टी परसेंट बचेगा क्योंकि सौ टक्का ना तो सेकेंड मंथ में मिलेगा बात समझा तो अब इसका पेमेंट कैसे कैलकुलेट होगा क्रेडिट सेल्स चौबीस हजार है चौबीस हजार का सेवेंटी परसेंट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है फोर्टीन थाउजेंड सोलह हजार से। But, बोल रहा है सबर अली चौबीस हजार का सेवेंटी परसेंट कैलकुलेट किया बट क्या ये वो मंथ में मिलेगा नहीं मंथ फॉलोइंग्रिल मतलब का चौबीस हजार का पैसा उसका कब आने वाला है सोलह हजार आठ सौ और बैलेंस जो है वो उसके भी अगले मंथ में आने वाला है तो चौबीस हजार का थर्टी परसेंट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है सात हजार दो सौ वो दो महीने के बाद आएगा कैलकुलेशन समझाइए समझा क्या जो भी उधार दिया ये आपका हंड्रेड परसेंट उधार हुआ ना हंड्रेड परसेंट में थर्टी परसेंट एक महीना बैलेंस दो महीना क्लियर हुआ चौबीस हजार सेम फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड का सेवेंटी परसेंट कैलकुलेट करो ट्वेंटी वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी ये आपको एक महीने में मिलेगा बैलेंस दो महीने में कितना बारह हजार चार सौ अस्सी अब चालीस हजार का सेवेंटी परसेंट अट्ठाईस हजार और ये आ जाएगा बारह हजार इसका फोर्टी टू थाउजेंड एटीन थाउजेंड फिर सेवेंटी टू थाउजेंड का फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट नाइनटी नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बैलेंस तो मालूम नहीं ये हो गया मैं बस लिखने ही जा रहा था मैंने देखा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया है बैलेंस शीट दिया है तो मतलब उसका कुछ तो यूज रहेगा तो जरा इधर ध्यान देते हो बैलेंस के अंदर अपने को क्या यूज़ बैलेंस शीट में डेटर नाम का एक प्राणी है डेटर्स डेटर्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स डेटर्स का मतलब होता है क्रेडिट सेल्स समझाइए आपको अब ये जो डेटर्स है ये कौन से महीने का है मार्च महीने का है अब पूरा तो मालूम नहीं है क्योंकि अपने को जो बैलेंस शीट दिया वो मार्च तक का दिया है अब जरूरी नहीं कि इसमें खाली मार्च का भी हो पहले के भी हो सकते कस्टमर हाँ या नहीं पक्का समझा अब इसको अपन लाइव एग्जाम्पल में लेते हैं कि भाई जो भी मेरे पास से उधार खरीदेगा दो महीने में पैसा दे देना चाहिए दो महीने में पैसा दे देना चाहिए दो महीने से ज्यादा तुमको मेरे पास उधार नहीं मिलेगा सर कैसे मालूम जो भी उधार दिया है मैक्सिमम कितना महीना दो महीना एक महीना और दो महीना इससे ज्यादा उधार दे सकता हूं ये जो डेटर्स है इसमें भी दो महीने से ज्यादा लोग का उधार नहीं रहेगा मतलब अब फॉर ये ये जो डेटर्स डेटर्स है मैं अज्यूम अज्यूम कर रहा मार्च के ही क्या करो ये मार्च के ही डेटर्स है।, है लेकिन सर इसके अंदर ना पिछले वाले भी हो सकते हो सकते हैं है, है ये मालूम नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करता हूं मैं अज्यूम करता हूँ इसमें मार्च के तो कस्टमर है ही है उसके अलावा इसमें हमारे फेब्रुवरी के भी कस्टमर है मैं उसके बाद के मंथ का नहीं ले सकता हूं जैन का नहीं ले सकता बिकॉज जैन के कस्टमर का पैसा मार्च तक क्लियर हो जाएगा जैन को उधार दिया है तो उसने सेवेंटी परसेंट फेब में दिया रहेगा थर्टी परसेंट मार्च में देखे छुट्टा हो गया रहेगा मतलब उसका उधार तो आएगा नहीं लेकिन फेब में जिसको मैंने सामान बेचा है उसने मार्च में सेवेंटी परसेंट दे दिया रहेगा अप्रैल में उसका आने का बाकी रहेगा कितना परसेंट बाकी रहेगा थर्टी परसेंट अरे बात समझा मतलब इस डेटर में 30 किसका रहेगा फेब का रहेगा बताए ना जैन का जो उधार रहेगा वो मार्च तक क्लियर हो गया है तो ये उधार उसमें रहेगा ही नहीं बट फेब का जो उधार रहेगा उसका सेवेंटी परसेंट तो क्लियर हो गया रहेगा थर्टी परसेंट बाकी रहेगा मतलब इस डेटर में थर्टी परसेंट फेब का है और हंड्रेड परसेंट तो मार्च का है क्योंकि अभी जो तेरे को उधार दिया है उसका पैसा तू अप्रैल और मई में, में देने वाला है ना बैठा दिमाग में क्लियर मतलब अब यहां पे क्या अज्यूम करूंगा मैं दिस डेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फेब सेल्स प्लस मार्च समझाइए फेब का कितना परसेंट रहेगा थर्टी परसेंट और मार्च का कितना रहेगा इसमें हंड्रेड परसेंट क्योंकि मार्च का अभी अभी तो उधार दिया है इसने बोला सर अभी उधार दिया है अप्रैल और कब मैं ऐसा दूंगा मैं मई में, में मतलब अब मैं इस पर फाइन क्या करने वाला हूँ इस डेटर्स में टोटल डेटर्स कितना दिया क्वेश्चन में इस डेटर में मार्च का सेल्स कितना है और फेब का सेल्स कितना है तो हम अज्यूम करते लेट द सेल्स ऑफ मार्च एक्स को याद कर लेते यू वेरी चालाक ब्रो एक्स समझ में आया क्योंकि एक्स इज इंपॉर्टेंट उसके बिना जिंदगी चलती क्या रूल तो मार्च का सेल्स कितना ले लिया एक्स अब जो भी लिया है इसके अंदर ही है ना ये अगर x है तो इसके अंदर हमारा 30 परसेंट थर्टी परसेंट किसका है फेब का है मैं लिखता हूं फेब प्लस मार्च इक्वल्स टू टोटल डेटर्स मार्च है एक्स और फेब कितना है एक्स का थर्टी परसेंट जो भी रहेगा उसका थर्टी परसेंट इधर रहेगा अरे बात समझा तो थर्टी परसेंट मतलब जीरो पॉइंट थ्री थर्टी परसेंट मतलब जीरो पॉइंट थ्री ना हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो तो ये आएगा जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड हाँ जीरो पॉइंट थ्री कैसा है समझाना एक एक्स है और एक जीरो पॉइंट थ्री एक्स है दोनों जब मिल जाएंगे तो टोटल अंडरस्टूड देर फोर माई एक्स विल बी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री इज इक्वल्स टू बीस हजार मतलब मैंने सेल्स कितने का किया है उधारी सेल्स कितने का किया है ट्वेंटी थाउजेंड बात समझ में आया ये कौन से मंथ का है मार्च का अब इसका फेब का कितना रहेगा थर्टी परसेंट यानी कि छ हजार तो देखो डेटर्स का कॉम्बिनेशन बन गया बात समझा तो ये जो छब्बीस हजार है डेटर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार्च सेल्स एंड फेब का सेल्स मार्च का बीस और फेब का छ हजार क्लियर जो भी मार्च में सेल्स हुआ है उसका पैसा कब मिलेगा अप्रैल और मई में अप्रैल में कितना मिलेगा सेवेंटी परसेंट तो बीस हजार का सेवेंटी परसेंट मिलेगा अप्रैल में और थर्टी परसेंट मिलेगा मई में, तो इसका फोर्टीन थाउजेंड और छ हजार बात समझ में आया क्या क्लियर है तो यहां पे आपको सेवेंटी फोर्टीन थाउजेंड कौन सा मार्च का एंड सिक्स थाउजेंड कौन सा मे का मिला ये समझा क्या कैलकुलेशन क्या? समझा पक्का ऐसा कोई जिसको नहीं समझा अभी भी बाउंसर गया ऐसा कुछ पक्का अरुण मैडम जानकी पक्का क्लियर है चलिए फिर ठीक है बढ़ेंगे आगे उसके बाद क्या दिया 6000 रुपए बच गए फेब के, ये कब मिलेंगे अपने को? अप्रैल में, बोला था ना मैंने? फेब का जो भी सेल्स है उसका 70% आपको किधर मिला मार्च में? 30% बाकी है, वो किधर मिलने वाला है? अंडरस्टूड समझा? का, मार्च का लिखा ना, पहले 20000 का लिखा, मार्च का सेल्स का 70% 30%? मार्च में जो भी सामान बेचा उसका सेवेंटी परसेंट अभी अप्रैल में मिलेगा थर्टी परसेंट मई में मिलेगा जैसे इधर सेल्स आपने अप्रैल में किया अप्रैल में किया तो उसका पैसा अप्रैल मिलेगा कि नहीं कब मिल रहा है मई और जून में मिल रहा है ना तो वैसे जब मार्च में बेचा है तो मार्च का पैसा कब मिलेगा अप्रैल में और मे में अप्रैल में सेवेंटी परसेंट मे में सिक्सटी परसेंट सॉरी थर्टी परसेंट ये समझ ये समझ अब, में आया अब वो वही बता रहा हूँ फेबर में ने कुछ सेल्स किया था मुझे मालूम नहीं अभी मैंने क्या था छब्बीस हजार में क्या है बीस हजार मार्च का है और फेब का भी है ना बाकी तो फेब का पैसा कब मिलने वाला है मार्च में उसने दिया नहीं तो अप्रैल में देगा ना क्योंकि तो फेब्रुवरी में जो सेल्स किया है उसका सेवेंटी परसेंट मार्च में देके फ्री हो गया है अभी भी थर्टी परसेंट पेंडिंग है क्रेडिट सेल्स कितना बाकी है छ हजार फेब्रुवरी का वो कब मिलने वाला है अप्रैल में तो ये वो छ हजार रुपया समझा क्लियर तो ये डेटर्स का क्या यूज था सब में समझा डन अब आप क्या कर सकते हैं इसका टोटल लेना है तो आपका क्रेडिट सेल्स का अमाउंट आ गया कितना है तो क्रेडिट सेल्स अप्रैल के महीने में बीस हजार चौदह और छह और दूसरा ऐड करते जाओ फटाफट बताओ बाईस हजार आठ सौ फिर यहाँ पे फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी मेरे को ज्यादा लग रहा है इधर ट्वेंटी नाइन प्लस सेवन थर्टी सिक्स ट्वेंटी चालीस साठ चार सौ अस्सी और ये फिफ्टी फोर थाउजेंड फिर सिक्सटी एट फोर हंड्रेड इधर आ जाएगा थर्टी फोर्टी वन करो है टोटल कर लो डन क्रेडिट सेल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया अब सम इज नॉर्मल भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अब क्लोजिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट है सब में क्लियर आगे बढ़ते आगे देखते, और क्या इंफॉर्मेशन दिया था भाई, आगे दिया है है, है, मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया होता है. Profit on sales बोला है जब प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स हंड्रेड प्रॉफिट कितना बोला है थर्टी परसेंट तो भाई कॉस्ट कितना तो इसमें कितना ऐड करेंगे सरटी तो ये कितना आएगा 70 तो इसमें 70 में 30 ऐड करेंगे तो ये 100 होता है मतलब अपना कॉस्ट कितना है कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं परचेज कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं परचेज तो भाई परचेज कितना है 70% किसका सेल्स का किसका सेल्स का चलिए ठीक है अब इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या देखते हैं हां जी उसके आगे दिया है परचेज इक्वल टू द नेक्स्ट मंथ सेल्स आर मेड एवरी मंथ एंड दे आर पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच परचेज आर मेड मतलब वो बोल रहा है कि जो भी आप खरीदते हो सेल्स के खरीदते हो एक महीना पहले और उसे जिस महीने का उस महीने में पे भी कर देते तो हमने अगर मे में सेल्स करना है फिफ्टी टू उसका खरीदारी पहले एडवांस में कर लेते कितना परसेंट खरीदारी करेंगे सेवेंटी परसेंट यहां पे मैं परचेज परचेज फिफ्टी टू थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट कैलकुलेट करो थर्टी सिक्स थाउजेंड और इसका पेमेंट कब होएगा सेम मंथ हाँ अप्रैल मतलब सेम मंथ ना फिफ्टी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट थर्टी फाइव थाउजेंड बराबर है खरीदारी कब हुआ है इसका जून में बेचना है बट खरीदारी कभी क्या मई में, में। और इसका पेमेंट भी कौन से मंथ में सेम मंथ में क्लियर जुलाई का है 75, उसका कैलकुलेट करो 52 500. 52 500. और खरीदारी जून में होगा और पेमेंट भी सेम मंथ में आ जाएगा अभी समझा ना चलिए ठीक है अब नाइनटी थाउजेंड का सेवेंटी परसेंट सिक्सटी थ्री थाउजेंड ये कब हो जाएगा जुलाई में थर्टी फाइव का सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड फिर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का अब इसके आगे के मंथ का आपको खरीदारी नहीं मालूम है तो हम ये अज्यूम करेंगे जो प्रपोर्शन में इधर हुआ है वही प्रपोर्शन में आपने इधर भी सेल्स किया है एंड उसी बेसिस पे इधर का कैलकुलेशन लेंगे तो पच्चीस हजार कैलकुलेट करेंगे सत्रह हजार पांच सौ ही आएगा समझा ये अजम्पन बेसिस पे लगाया है ये अज्यूम करके जो सेल्स कांस्टेंट चल रहा है पिछले मंथ में आगे के मंथ में भी वही करने वाले इसलिए हमने वैल्यू इन एडवांस यहाँ पे खरीदा है और उसका पेमेंट भी किया है ये करना क्यों जरूरी है बिकॉज बंदा सेम मंथ में पेमेंट कर रहा है अगर ये दो महीने बाद करता ना तो मैं आगे कंसिडर नहीं करता क्योंकि मैं पेमेंट ये महीने में करना नहीं तो कैलकुलेट क्यों करूँगा अंडरस्टूड पैसा जाने वाला है तो कैलकुलेट करना पैसा नहीं जाता तो मैं कैलकुलेट नहीं वह इसका पेमेंट करना है तो पेमेंट में चले जाऊंगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स थर्टी फोर थाउजेंड सॉरी थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी फाइव थाउजेंड फिर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड 17500 17500 अर्जुन कुछ दिया है क्या देख लो भाई और अर्जुन कुछ तो नहीं हां बिजनेसमैन वेरी इंपोर्टेंट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम बिजनेसमैन मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस टेन 10000 कम से कम बैलेंस दस हज़ार होना चाहिए कैश डेफिशेंसीज आर मेड अप बाय बैंक लोन और कम पड़ा ले और लोन ले लेना व्हिच आर रिपेड एट अर्लिएस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी और लोन लेके जितना जल्दी हो सके भर देने का तो ज्यादा पैसा आप अपने पास नहीं रख सकती हो। अगर हजार से ज्यादा है तो उस बंदे ने क्या बोला है एंड कैश इन एक्सेस ऑफ तो फिफ्टीन थाउजेंड इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज पैसा ज्यादा हो गया इन्वेस्ट कर डालो अब उसने बोला इन्वेस्ट करोगे या लोन लोगे तो इंटरेस्ट को इग्नोर करो ऐसा बोला है आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन सिक्योरिटीज इज टू तो बी इग्नोर आउटस्टैंडिंग अनचेंज बीनोर लाइबीज थी जैसी वैसी की वैसी है मतलब तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया देखो क्रेडिटर्स और ऐसा कुछ दिया था अपन ने जैसा दिया वैसे ही सॉल्व किया क्लियर है वापस यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या मैंने सारे इनकम और एक्सपेंस की एंट्री पास कर दी है बाकी एक एंट्री सैलरी की नहीं, 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 नहीं। आप जस्ट बोलने वाले थे वाह हो गया है और एक एक्सपेंसेस है आपका सैलरी तो सैलरीज सैलरीज देखो क्वेश्चन में दिया है अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो जिस मंथ में उस मंथ में इसका पेमेंट हो जाएगा सैलरी का तीन हजार तीन हजार पांच सौ आगे बोलो फाइव थाउजेंड फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड थ्री और कोई एक्सपेंस इनकम रह गया क्या नहीं टोटल करेंगे अब जरा टोटल करो कितना आ रहा है बताओ फटाफट अच्छा अच्छा क्या बेटा डेप्रिसिएशन हाँ हाँ यस डेप्रिसिएशन नहीं आएगा उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ मेरे भी दिमाग में रह निकल गया डेप्रिसिएशन नहीं आएगा उसका रीजन क्या है डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम ये कौन सा ट्रांजेक्शन होता है कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या डेप्रिसिएशन वाले को पैसा देते क्या अपन ए डेप्रिसिएशन ले पैसा ऐसा कुछ करते क्या नहीं मतलब ये जो डेप्रिसिएशन दिया है ये हजार ये एक्सपेंसेस को काउंट नहीं करेंगे अपन मैंने लिख दिया है, बट डेप्रिसिएशन आपके टोटल में काउंट मत करना मैं रब कर रहा हूं कोई नहीं रब कर रहा हूं बट आपको एक्सप्लेन करो ये डेप्रिसिएशन आपके टोटल में नहीं आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश आइटम ठीक है आगे बढ़ते नेक्स्ट उसके बाद जरा टोटल फट से ले लो अभी रिसीव साइड का टोटल कितना आ रहा है फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड पेमेंट साइड का टोटल ले लो पेमेंट साइड का टोटल एक एक करके टोटल ले लो भाई कितना आ रहा है पेमेंट का टोटल बोलो थर्टी नाइन थर्टी फॉर्टी फॉर्टी फोर्टी सेवन हंड्रेडी था वन टू हंड्रेड फोर्टीडीड जा रहा है फोर्टी वन टू हंड्रेड तो कितना बैलेंस आ रहा है देखो फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड आ रहा है बट मिनिमम बैलेंस कितना आना चाहिए दस हजार होना चाहिए मतलब कितना कम है दस हजार में पांच हजार तीन सौ माइनस करो चार हजार सात सौ तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक बैंक लोन लेना पड़ेगा कितने का चार हजार सात सौ का अब चार हजार सात सौ इसके अंदर ऐड कर दो फोर्टी सिक्स फाइव हंड्रेड में चार हजार सात सौ ऐड कर दो फिफ्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड अरे समझ में आया उसमें फोर्टी वन टू हंड्रेड माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे दस हजार इधर का क्लोजिंग इधर का बन जाएगा वो ओपनिंग दस हजार समझ में आया अब इधर का टोटल ले लो कितना रहा सीमा, सीमा, 43, आ रहा है देखो फिफ्टी थ्री टू हंड्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फाइव ट्वेंटी इधर सीमा सीमा फोर्टी थ्री टू हंड्रेड आ रहा है चलिए ठीक है फोर्टी थ्री टू हंड्रेड हाँ टू हंड्रेड बराबर अब माइनस करो कितना आ रहा है देखो Minus minus करो कितना कितना आ रहा है 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 मेरे पास इतना ही चाहिए बराबर तो देखे देखे में 2680 minus कर दो देखे देखे। 7 ,320. 7 ,320 का क्या लेना पड़ेगा लोन लेना पड़ेगा अब तक आपने इतना लोन लिया है चार हजार सात सौ सेवन थाउजेंड थ्री ट्वेंटी का लोन लिया है क्वेश्चन पैसा जमा हुआ पहला काम करो लोन भरने का तो अभी भाई हमने सात हजार तीन सौ बीस का लोन लिया हजार तीन सौ बीस एड कर दो तो ये हो जाएगा पचास हजार पांच सौ बीस बराबर है पचास हजार पाँच सौ बीस माइनस करोगे चालीस हजार पांच सौ बीस तो आपको आएगा दस हजार इधर इधर का closing, तो का क्लोजिंग तो ओपनिंग हो जाएगा अरे समझा चलिए ऐड कर लो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अभी बैलेंस कमी दिख रहा है मेरे को नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे इधर सब पॉजिटिव दिख रहा था दिख रहा मतलब अपने कमी था बैलेंस फिफ्टी वन फोर्टी अभी यहाँ पे फिफ्टी सिक्स थ्री ट्वेंटी में फिफ्टी नाइन फाइव हंड्रेड माइनस करो कितना आ रहा है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एटी लॉस में लॉस चल रहा है मतलब थ्री थाउजेंड वन एटी तो देना ही है उसके अलावा अपने दस हजार और होना ही चाहिए फर्क समझ रहा है मतलब मेरे पास कैश बैलेंस कितना है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड पेमेंट कितने का करना है फिफ्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस बराबर किया है ना ऐसा खाली पूछ रहा बराबर किया ना तो तीन हजार एक सौ अस्सी रुपया मेरे पास कम है प्लस और दस हजार चाहिए तो मेरे को लोन कितने का लेना पड़ेगा तीन हजार एक सौ अस्सी तो कम है ना नेगेटिव में और दस मतलब का लोन लेना पड़ेगा अगर मैं दस थर्टीन थाउजेंड वन एटी का लोन लेता हूँ तो मेरा कैश बैलेंस कितना बचेगा दस हजार क्योंकि लॉस में चल रहा है ना तीन तो हजार तो रिकवर करना ही है प्लस दस हजार और चाहिए तो हम यहाँ पे लोन कितने का देंगे थर्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी का समझा बैलेंस बढ़ा दो इसके अंदर कितना आ रहा है देखो मेरे क्यों लग रहा है टोटल रॉन्ग है तीसरा वाला कर रहे हो सैलरी तीन हजार इधर सैलरी तीन हजार पांच सौ है क्या तीसरा, तीसरा तीन हजार पांच सौ है इधर सैलरी तीन हजार पाँच सौ है जून का, का साढ़े तीन हजार है जुलाई का चार हजार है चार हजार है तीन हजार है तीन हजार है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हाँ, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक तो तो तो। सैलरी में जो क्वेश्चन में दिया ना पांच हजार साढ़े तीन हजार है हाँ यहाँ पे करेक्शन करना सैलरी में यहां पे टेक्स्ट बुक में पांच हजार दिया यहाँ पे साढ़े तीन हजार है तो यहाँ पे आपको आ रहा है फिफ्टी 58 तो इधर अभी आपको पॉजिटिव बैलेंस आएगा 56320 में 58 नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, कितना 680. नेगेटिव 1680 तो 1680 प्लस 10000 मैं लोन कितने का लेने वाला यहाँ पे 11680 1680 प्लस 10000 समझा टोटल आप करो कितना आएगा इधर 11680 प्लस 56320 माइनस करोगे फिफ्टी एट थाउजेंड तो ये आ जाएगा दस हजार इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बन जाएगा टोटल कर लो अब जुलाई के महीने का कितना आ रहा है बोलो सब टोटल करके रखा है ठीक है सिक्सटी फाइव एट हंड्रेड माइनस करो कितना नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 3450 लॉस में आ रहा है लॉस मतलब ये तो लॉस रिकवर करना है प्लस दस मतलब अपने को लोन कितने का लेना पड़ेगा पक्का ना बराबर है कौन से महीने का कर रहे हो भाई अभी तुम लोग जुलाई का सिक्सटी नाइन टू फिफ्टी सिक्सटी फाइव फोर एटी फोर एटी डेटर्स का अमाउंट कितना है क्या क्वेश्चन में करेक्शन है क्या तुम्हारे बारह हजार चार सौ अस्सी है ना इधर टोटल करो कितना आ रहा है इधर कितना लिखा है देखो कौन सा महीना जुलाई का महीना है ना अट्ठाईस प्लस बारह हजार चार सौ अस्सी ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक चालीस हजार चार सौ अस्सी इसका टोटल बदला क्या यार चलो तो टोटल करो कितना आ रहा है सिक्सटी फोर एटी बाकी ये करेक्ट है माइनस करो कितना आ रहा है इसके लिए भाई सिक्सटी सिक्सटी फाइव फोर एटी में नाइन टू फिफ्टी माइनस कर दो थ्री सेवन सेवन जीरो का लॉस है ये तो लॉस है प्लस दस हजार चाहिए मतलब इधर लोन कितने का लेना पड़ेगा का लोन लोन लेना पड़ेगा। अब लेंगे तो इसका टोटल आपको आ जाएगा ,250। बैलेंस आ जाएगा दस हजार इधर का क्लोजिंग अब इधर का ओपनिंग बना देंगे अब इसका टोटल हाँ इसका टोटल बोल दो थर्टी थाउजेंड नाइन परफेक्ट इधर का टोटल बराबर चल रहा है आपका ऊपर का टोटल एट क्या बात है सही है पहली बार सीमा ने राइट आंसर दिया हमको एटी टू थाउजेंड वेरी गुड सीमा माइनस करो आप बताओ कितना आ रहा है 51, अब जरा ध्यान देना फिफ्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड ज्यादा पैसा आ गया आप मेरे पास अब जब पैसा ज्यादा आया है तो सबसे पहला काम लोन भरने का होगा तो अब तक आपने कितना लोन लिया कैलकुलेटर पे फोर 7,320, 11,680, 13,770 कितना हो रहा है कितना देखो 37,000 सेवन 37 मेरे पास इक्यावन हजार है पे कर सकता हूं तो पे कर सकता हूं यहाँ पे लेस लोन री पे सबर अली सबर अली कितना अरे सबर अली मैं क्या बोला लोन का अमाउंट कितना अरे ऐसा कैसा स्किप किया लिखना तो पड़ेगा ना थर्टी सेवन फोर हंड्रेड ये ऐड कर दो थर्टी थर्टी सेवन फोर सेवनटी ऐड कर दो एटी टू थाउजेंड में सिक्सटी एट थ्री सेवेंटी माइनस करो कितना बैलेंस आ रहा है 1, 3, 6, 3, वन थ्री सिक्स थ्री जीरो तेरह हजार छह सौ तीस मिनिमम दस चाहिए था दस के ऊपर है लोन लेने की जरूरत है क्या आप नहीं, नहीं भाई इधर लोन लेने की जरूरत तो नहीं है और पूरा मेरा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा तेरह हजार छह सौ तीस ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी इसका टोटल ले लो कितनी थर्टी क्या बात है सीमा यार्ट हो गई यार एटी नाइन थाउजेंड थर्टी माइनस कर दो कितना आ रहा बैलेंस ट्रिपल सिक्स एट जीरो और बहुत पैसा आ गया इसके पास मिनिमम दस मैक्सिमम पंद्रह इससे ज्यादा बैलेंस रख सकता है क्या वो नहीं मतलब सिक्सटी सिक्स सिक्स एटी में से पंद्रह हजार निकाल दो सिक्सटी से पंद्रह हजार माइनस कर दो 51 तो फिफ्टी वन इसको क्या करेंगे इन्वेस्ट समझ में आया इसका बैलेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा पंद्रह हजार कैसे बाईस हजार तीन सौ पचास में फिफ्टी वन थ्री सिक्स एट जीरो ना बाईस हजार तीन सौ पचास में फिफ्टी वन सिक्स एटी प्लस कर दो 74 अब 30 में 74, 30 माइनस करो देखो आएगा इधर का क्लोजिंग बराबर है अब इधर का टोटल ले लो कितना आ रहा है क्या बात है यार मोदी भी रेडी थी आज तो अब सिक्सटी वन टू हंड्रेड में बाईस दो सौ पचास बार है। बहुत पैसा इसके पास फिर माइनस करो कितना बैलेंस आ रहा है 38,950 फिर से दस हजार के ऊपर ही बैलेंस के भी ऊपर है मतलब अपना बैलेंस सिर्फ पंद्रह होना चाहिए 38,950 में पंद्रह हजार माइनस कर दो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड ये क्या करूंगा मैं इन्वेस्ट तो बैलेंस कितना आ जाएगा पंद्रह हजार इसका टोटल बढ़ जाएगा बाईस हजार दो सौ पचास में 23,950 ऐड कर दो बाईस हजार दो सौ पचास में ट्वेंटी थ्री नाइन फिफ्टी एड कर दो फोर्टी सिक्स अब इसमें माइनस करके देखो पंद्रह हज़ार आपको मिलेगा तो इस सम के अंदर लोन एंड रीपेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट तीनों कंसेप्ट आ गया है उसके अलावा डेटा का सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट का सम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं देंगे वो लोग बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है आज के लिए इतना फिर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो